हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास वन। तो क्लास वन का आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखेंगे, जो क्लास वन का चैप्टर है। तो वन बाय वन हम इसको रीडिंग करेंगे एंड उनका हिंदी मीनिंग समझाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चैप्टर के नाम ही है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग कहने का मतलब सजीव, नॉन लिविंग थिंग कहने का मतलब निर्जीव। अब इस चैप्टर में देखेंगे कि लिविंग थिंग मतलब सजीव क्या होता है एंड नॉन लिविंग थिंग निर्जीव क्या होता है, उनमें क्या क्या गुण है, वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसके बारे में देखेंगे। तो क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? द वर्ल्ड अराउंड अस इज फिल्ड विथ वैरायटी ऑफ थिंग्स। हमारा जो संसार है वो चारों तरफ से बहुत सारे चीज़ों से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। वी सी सो मैनी डिफरेंट थिंग एवरी डे। हम लोग प्रत्येक दिन बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। इनसाइड आवर हाउस और स्कूल एंड अराउंड अस वी सी टेबल्स, चेयर्स, ब्लैकबोर्ड, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, फूड, वाटर, मिल्क, बर्ड्स, एनिमल्स, चिल्ड्रेंस, बुक्स, प्लांट्स। क्या होता है, हम अपने घर और स्कूल के अंदर बहुत सारे चीज़ देखते हैं, जैसे टेबल देखते हैं, चेयर्स, ब्लैकबोर्ड, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फूड, वाटर, मिल्क, बर्ड्स, एनिमल्स, चिल्ड्रेन, बुक्स, प्लांट्स। प्लांट्स कहने का मतलब पौधा। एंड मैनी मोर थिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हम लोग देखते हैं अपने घर और स्कूल में। ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, ये सारे चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है, वातावरण में है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे ये सारे चीज़ भी रहते हैं। दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। इन सारे चीज़ों को जो आपको बताए थे ऊपर, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इन सारे चीज़ों को दो कैटेगरी में, मीन्स दो भागों में बांटा गया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में मतलब सजीव में, एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव में बांटा गया है। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है लिविंग थिंग्स का, और नीचे जो दिया गया है नॉन लिविंग थिंग्स का। तो लिविंग थिंग्स में क्या दिखाया जा रहा है कि एक लड़की जो है सो एक प्लांट को, एक पौधे को पानी दे रही है। तो ये पौधा क्या है, लिविंग थिंग्स के अंदर है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, आपके घर के अंदर क्या क्या, आपको टीवी दिखाई दे रहा होगा, लैंप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या इमेज होगा, बहुत सारा फोटो जो चिपकाए होते हैं वो होते हैं, फ्लावर का बुके रहता है, ये सारे चीज़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, वी प्रोसीड नेक्स्ट। फिर आगे क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग। एनिमल्स मीन्स जानवर, प्लांट्स मीन्स पौधा, एंड ह्यूमन बींग्स जैसे कि मनुष्य, मनुष्य मतलब कि लड़का लड़की जो भी हम लोग जानते हैं आदमी, ये सब क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स क्या होता है, एनिमल्स मीन्स जानवर, पेड़ पौधा और मनुष्य, वो सारे लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव होते हैं। दे आर मैनी फीचर विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं उनके अंदर, ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं लिविंग थिंग के अंदर, जो नॉन लिविंग थिंग्स से उनको अलग करती है। लेट अस रीड फर्दर टू नो मोर। अब इनके बारे में और अधिक जानते हैं, इनके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है। लिविंग थिंग जो भी होगा वो क्या होता है, बढ़ता है, उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ह्यूमन हो गया, मनुष्य, हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का साइज भी बढ़ता है। पौधा, छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। फिर एनिमल्स, कोई भी जानवर होता है वो भी बढ़ता है। तो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ना। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, एज दे ग्रो दियर शेप, साइज एंड अपियरेंस में चेंज। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका शेप, साइज और अपियरेंस क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है, शेप मतलब उसका आकार हो जाता है, उनका आकृति हो जाता है। जैसे मनुष्य है, छोटा सा बच्चा होता है, बढ़ता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, फिर क्या बढ़ते बढ़ते बहुत से बाल आने लगते हैं, मूंछ दाढ़ी वगैरह ये सब आने लगते हैं। ठीक है, बढ़ने से क्या होता है, उनका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है और उनका अपीयरेंस स्वभाव ये सब भी क्या होता है, चेंज होते जाता है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, जितने सजीव, लिविंग थिंग्स कहने का मतलब सजीव, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह अपने भोजन की तलाश में और रहने के लिए घर की खोज में निकलते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाती है, भोजन की तलाश में और अपने लिए रहने की जगह ढूंढने के लिए। मनुष्य जो भी है, ह्यूमन जो भी, उनका तो घर बना होता है पहले से, वो वहीं पे रहते हैं। लेकिन जो भी एनिमल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जैसे डॉग ही हो गया तो इधर उधर भटकते हैं, जहाँ पे उनको खाना मिलता है वहाँ पे खाते हैं, रहने के लिए अभी भी हमेशा वो अपना ठिकाना खोजते रहते हैं। तो वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं, जाते हैं। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स किसी चीज को क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे कि फील करने का मतलब ये हो सकता है कि कब हमको ठंडी लगता है, कब गर्मी लगता है पता चल जाता है हमको। किसी चीज़ का टेस्ट लेना होगा, कोई चीज़ खाते तो कोई चीज़ तीखा लगता है, कोई चीज़ मीठा लगता है, तो ये क्या, ये सब हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बताइए टेबल महसूस करता है, टेबल कोई चीज़ खा सकता है, उसको ऐसा होता है, सुने कि टेबल को ये आम मीठा लगता है, उसको एप्पल हो जो होता है मीठा लगता है, लेमन जो होता है उसको खट्टा लगता है। टेबल को ये सब कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि वो खाता ही नहीं है। लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, फील कर सकता है। दे रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स, वो अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फ्लावर्स देखे तो बोलते हैं ना, वाओ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, या कोई बहुत अच्छा सा हम लोग मकान देखते हैं, हाउस देखते हैं तो नहीं बोलते कितना अच्छा इसका डेकोरेशन है। तो जो भी चीज़ देखते हैं अपने सराउंड में उन पर वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन दियर ओन, और लेकिन दूसरी तरफ हम जब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखेंगे, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग थिंग ग्रो करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है भोजन और घर की तलाश में। लिविंग थिंग्स किसी भी चीज़ को फील कर सकता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में आप पढ़ेंगे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन दियर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, वो मूव नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते। जैसे चेयर, चेयर को देखे अपने आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हुए, टेबल को भी नहीं देखे, टीवी को देखे, घर में जो टीवी होता है जो कभी आप दीवार में लगा देते हो टहलते टहलते हुए बाहर चला जाता है, ऐसा नहीं ना होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करता है। They do not show any sign of life. उसमें आपको क्या किसी भी प्रकार का जीवन का साइन नजर नहीं आएगा। जीवन का साइन नजर नहीं आने का मतलब वो किसी प्रकार का लाइफ अपना शो नहीं करता है, वो ना ही उसमें मूवमेंट होता है, ना वो मूव करता है, ना वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, ना ही वो बढ़ता है। क्या लाइफ तभी ना शो करता है जब वो बढ़ता है या एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, तो हम लोग समझते कि हाँ लिविंग है, लेकिन वो उस समय नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रीथ और फील, वो क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ना महसूस कर सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं। दे डू नॉट नीड फॉर एनर्जी, अब वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाएंगे, नहीं वो ग्रो करेंगे, तो उनको फूड भोजन भी नहीं चाहिए, उनको एनर्जी भी नहीं चाहिए, शक्ति भी नहीं चाहिए, ना फूड चाहिए ना ही उनको एनर्जी चाहिए। Also, they not have babies. उनके पास बच्चे भी नहीं होते हैं, जैसे मनुष्य के पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डॉगी के पास छोटी छोटी क्या होता है, पप्पी होती है, जो भी हेन रहती है, मुर्गी रहती है, उसके पास क्या होता है, उनके पास चूजा होता है छोटा सा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे नॉन लिविंग थिंग्स के पास बच्चे भी नहीं होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर स्टोन्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, बुक्स, बिल्डिंग्स इटीसी। और यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल दिया गया है, स्टोन्स पत्थर, नॉन लिविंग थिंग्स है पत्थर, फर्नीचर लकड़ी से जो भी चीज बना होता है वो भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड कहने का मतलब जो भी करेंट पे चलता है, जो भी लाइट पे चलता है, जैसे बल्ब, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर,
एसी, ये सारे चीज क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। गुड्स कहने के मतलब वस्तु। बुक्स जो हमारी किताब है जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ा बड़ा भवन देखते हैं, मकान देखते हैं, हम लोग का जो घर होता है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करता है, नहीं वो सांस लेता है, ब्रेथ भी नहीं लेता है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव भी नहीं करता है। तो यही है हमारा चैप्टर, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिविंग थिंग्स कैसे पहचानेंगे, जो ग्रो करेगा, जो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करेगा, जो किसी भी चीज को फील करेगा, ब्रेथ करेगा मतलब सांस लेगा, उसको हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब सारे क्या है, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगा, जो नहीं मूव करेगा, नहीं वो भोजन करेगा, नहीं फूड मतलब नहीं वो खाना खाता है, नहीं क्या होता, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, ये सारे चीजों को हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स के पास बेबी नहीं होती है ना, नहीं उनके पास एनर्जी ही होती है। एग्जाम्पल क्या है नॉन लिविंग थिंग्स का, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, कॉपी, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ध्यान से फिर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू।